हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। दोस्तों, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से TGT की वैकेंसीज निकली हैं, जो कि कस्तूरबा गांधी स्कूलों में निकली हैं जहां पर, और उनकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या वैकेंसी है, कितनी सीट्स हैं और कहाँ कहाँ निकली हैं। शिक्षक बनने का ये सुनहरा अवसर है। ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है और इनके बारे में पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। इनको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्होंने मांगी हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेरिट बेसिस पे है। तो आज हम पूरा इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि क्या है ये वैकेंसीज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जब आप गूगल सर्च करेंगे HSSPP, तब आपको यहाँ निकल के आएगा हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसी में ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। ठीक है, इसके अंदर जब आप क्लिक करके जाएंगे तब आपको सारी रिक्रूटमेंट, इसका मेन साइट है वो खुल जाएगी और इसमें आपको ये देखिए हमारी नोटिफिकेशन, जिसको क्लिक करने पे आप इससे नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, जो कि होगी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नोटिफिकेशंस क्या हैं। इस तरह से ये आपके पास PDF आ जाएगी, इसमें पूरी डिटेल है। दोस्तों, इसमें दिया गया है कि ये जो पोस्ट है वो हरियाणा स्कूल शिक्षा परिषद परियोजना परिषद की तरफ से निकाली गई हैं, जो कि हैं कस्तूरबा गांधी के लिए। जो ये इसके ओपनिंग है, ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वो है 17/5/2022 सुबह 10 बजे से। क्लोजिंग डेट जो ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 3/6/2022 5 बजे शाम को। क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट फी वो भी 6 तारीख है और शाम को 4 बजे तक है। नोटिफिकेशन में है, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद इज़ अ सोसाइटी अंडर द एजियस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। ठीक है दोस्त, तो ये जो है, ये जो एसोसिएशन है, ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए 36 एलिमेंट्री बैकवर्ड ब्लॉक्स के लिए निकालती है वैकेंसीज। ये जो वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। ये देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। ठीक है, 19 पोस्ट हैं जो कि TGT की हैं। ये सारी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, तो ये 1 ईयर पीरियड के लिए हैं और एक्सटेंडेड बाय ऑन ईयरली बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसी हिसाब से ये एक्सटेंड होती चली जाएंगी। दोस्तों, ये एक अच्छा सुनहरा मौका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो फॉर्म्स फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुके हैं 17 तारीख से सुबह 10 बजे से और एंडिंग डेट है 3/6/2022 शाम को 5 बजे। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच नेसेसरी सर्टिफिकेट्स एज द टाइम ऑफ वेरीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के टाइम पे आपके पास जो आपने फॉर्म फिल किया है उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं कि कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से ब्लॉक में, कौन सी KVS में, कस्तूरबा गांधी में किस जगह पर कौन से सब्जेक्ट की पोस्ट है। ठीक है, सबसे पहली पोस्ट जो है देख सकते हैं आप, पलवल में हसनपुर लिखी में TGT SST और इंग्लिश की पोस्ट है। उसी तरह पलवल हसनपुर लिखी में ही TGT संस्कृत और हिंदी की पोस्ट है। इसी तरह थर्ड पलवल हसनपुर लिखी में ही TGT साइंस और मैथ की पोस्ट है। फोर्थ है पलवल हाथिन बुराका में है TGT उर्दू की। नूह में पुनहाना SST एंड इंग्लिश की। नूह पुहाना में TGT संस्कृत और हिंदी की। सेवन्थ है नूह में
तौरू में तौरू तौरू ब्लॉक के तौरू KGBM स्कूल में उर्दू की, TGT उर्दू की। नू नगीना, नगीना डिस्ट्रिक्ट और नगीना उसमें उर्दू की, TGT उर्दू की पोस्ट है। नू में ही FP झिरका में ही TGT उर्दू की पोस्ट है। नू में ही FP झिरका में TGT साइंस और मैथ की पोस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी पोस्ट ऑफ TGT ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट मेवात एंड पुलवा। ठीक है, ये सिर्फ मेवात और पुलवा के ही वैकेंसीज हैं, अदर जो हैं वो देख लेते हैं। टेंटेटिव कैटेगरी वाइज वैकेंट पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नू एंड पुलवा एज ऑन डिटेल्स। तो यहाँ पे इंग्लिश SST की दो हैं, एक जनरल, एक EWS की। TGT साइंस और मैथ की दो हैं, TGT संस्कृत हिंदी की दो हैं, TGT उर्दू की चार हैं। टोटल 10 पोस्ट हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरह सब्जेक्ट वाइज वैकेंट पोस्ट ऑफ TGT एक्सपेक्ट डिस्ट्रिक्ट नू एंड पुलवा। नू और पुलवा को छोड़ के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है उन्हें देख लेते हैं। हिसार में, नारदौर में, ब्लॉक नादौर में KGBM माथा में TGT SST और इंग्लिश की पोस्ट है। फिर हिसार में ही हिसार टू में कीरतन में TGT साइंस और मैथ की है। पानीपत में भोपाली जगह पर, भोपाली ब्लॉक में जलमाना कॉलेज का नाम है, जलमाना जो कस्तूरबा गांधी स्कूल है उसका जलमाना, उसमें TGT SST और इंग्लिश की है। फिर कैथल में, कैथल है, कैथल जो जगह है वहाँ पे कैथल ब्लॉक में ही सजुमा में SST और इंग्लिश की है। कैथल में कहलायत में मातौर में TGT साइंस और मैथ की है। महेंद्रगढ़ में नांगर चौधरी नियामकपुर में SST और साइंस की है, सॉरी साइंस और मैथ की है। सिरसा में बावबाड़ी में रत्ना खेड़ा कॉलेज का नाम है जो कि साइंस और मैथ की है। सिरसा में ही बारागुदा में फतेहपुर नियामत खान जहाँ पर TGT साइंस और मैथ की पोस्ट है। सिरसा में ही कुडान में चट्टा TGT साइंस और मैथ की पोस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, टेंटेटिव कैटेगरी वाइज वैकेंट पोस्ट पोस्ट ऑफ TGT एक्सपेक्ट डिस्ट्रिक्ट मितवा मेवात एंड पलवाना एज ऑन डेट। ठीक है, तो यहाँ पे TGT इंग्लिश और SST की तीन पोस्ट है, TGT साइंस और मैथ की 6 पोस्ट है। पूरी डिटेल दोस्तों यहाँ। दोस्तों अब योग्यता देखते हैं क्या है, एलिजिबिलिटी मांगी गई है इसमें। तो मैट्रिक विथ हिंदी इंग्लिश 10+2 BA MA विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब अगर आप हिंदी पोस्ट इसके लिए अगर भरना चाह रहे हो तो आपके पास हिंदी और संस्कृत में के साथ साथ 10+2 में BA MA MA में भी हिंदी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड सेंट्रल टीचर एजुकेशन टेस्ट मतलब CTET और हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ESTET इसका सर्टिफिकेट जो कि लेवल 2 का होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है फ्रेंड, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए 50% मार्क्स सभी में होने चाहिए। रिलैक्सेंस अप टू 5% क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ द वैकेंट पोस्ट इज एज अंडर
तो इसमें है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, इसमें 45-50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, बैचलर इन एजुकेशन में, बीएड में, बीए में 50% होने चाहिए और बीएड, मतलब आपको 50% दोनों में ही होने चाहिए, चाहे आपने बीएड किया हो, चाहे आपने 2 ईयर वाला बीएड किया हो, चाहे आपने 4 ईयर वाला बीएड किया हो। अगर आपने बीएलईडी किया हुआ है तो उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपने सीनियर सेकेंडरी बीएड किया हुआ 4 ईयर वाला, उसमें भी 50, मतलब आपको बीए बीएड आपने जो भी किया है, बीएलईडी जो भी किया है आपने, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सेंटर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, CTET या STET होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट फॉर TGT संस्कृत और हिंदी के लिए वही रिक्वायरमेंट है कि BA या जो भी आपने BEd किया है उसमें आपको, आपके पास संस्कृत होनी चाहिए एक सब्जेक्ट के तौर पर। देखिए इसमें पूरे डिटेल दी हुई है, BA में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए, BA 50% मार्क्स के साथ BEd में भी संस्कृत होनी चाहिए, BA 45% मार्क्स अगर हैं तो आपके पास 50% मार्क्स के साथ 1 ईयर BEd होना चाहिए, DLED 50% मार्क्स से होनी चाहिए, और 4 ईयर वाला जो है BA BEd वो भी अगर होगा तो उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 1 ईयर BEd में भी संस्कृत आपके पास होने चाहिए। इनका कहने का मतलब ये, अगर आपने BA BEd कुछ भी किया है, आपके पास एक संस्कृत सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, 3 सब्जेक्ट्स या 2 सब्जेक्ट्स में से संस्कृत एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देख लेते हैं, इसमें भी संस्कृत टीचिंग सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, और आपके पास STET या CTET का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास मैट्रिक में हिंदी संस्कृत में से एक होना चाहिए, 10+2 BA MA में भी हिंदी एक 1 सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। साइंस और मैथ में भी सेम यही है, 50% मार्क्स मांगे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या इम्पोर्टेंट चेंज है, वो ये है कि आपके पास मैथ शुड बी 1 सब्जेक्ट होना ही चाहिए, और उसके साथ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट और होना चाहिए। ठीक है, BEd होना चाहिए, इसके बाद आपके पास STET और CTET का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत आपके पास मैट्रिक से लेके MA तक किसी जिस भी जो भी आपने किया हो उसमें होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ TGT उर्दू, इसमें आपके पास BA वही सारी रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास BA किया हो, आपने BEd किया हुआ, कोई भी किया हो, आपके पास उर्दू होनी चाहिए, और आपके पास लेवल टू का सर्टिफिकेट होना चाहिए CTET और या STET का। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी और संस्कृत आपके मैट्रिक से लेके आम तक एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे है, इन्होंने बताया है कि आप अपना परसेंटाइल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपके देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 10th है तो 10th के वेटिंग मार्क्स जो हैं वो 10 है। ठीक है, तो 0.1 चला जाएगा। ठीक है, एक परसेंट बनेगा, 10 का 1%, 10+2 के 10 मार्क्स, 10 वेटिंग मार्क्स होंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन के 10 वेटिंग मार्क्स होंगे, बीएड के 10 वेटिंग मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के 5, एमफिल के 2, PhD के 3। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट डिवीज़न के 5, सेकंड डिवीज़न के 3 एंड थर्ड डिवीज़न के 2 मार्क्स होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में। इन केस ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ 4 ईयर BA, BCom, ED या BAED या BSc ED या BLED तो उसमें आपके 20 मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें है ना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये देखिए 10 मार्क्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, कैंडिडेट अटेंड 76 मार्क्स इन एनी गिवन एग्ज़ाम, हायर वेटिंग विल बी 7.6, मतलब अगर उसका 76 मार्क्स हैं तो उसको होगा 7.6। ठीक है,
पीएचडी और एमफिल में से पीएचडी को ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख लेते हैं आगे इसमें क्या है। रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाकर के आप WHSSPP में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फीस क्या है? फीस है, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, जो कि 250 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए और 150 रुपये है अदर कैटेगरी के लिए। कैंडिडेट जो हरियाणा के हैं, अदर स्टेट की जो है कैंडिडेट हो उनकी 500 फीस है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको जो आपकी वेबसाइट है उसमें पब्लिश कर दी जाएगी या न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पता चल जाएंगी जो भी आगे की अपडेट्स होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इम्पॉर्टेंट है सेवन पॉइंट में कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट मोस्ट एसेंशियल दैट दे हैव फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपके पास जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके लास्ट डेट होने से पहले के होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद के सर्टिफिकेट होने पर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एससी के लिए मिनिमम स्कोर 45 फॉर एससी पीएच और 50% मार्क्स फॉर अदर। ठीक है, इनका जो मिनिमम है वो 45 होना चाहिए मार्क्स और 55 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अदर के लिए। ठीक है, अगर आपकी कोई फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका कैंडिडेचर किसी भी वक्त कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, बट इस 9 पॉइंट में ये बताया गया है। 10th पॉइंट में बताया गया है कि जो भी सब कैटेगरीज हैं अगर उसका कैंडिडेट नहीं मिलता है तो जनरल कैटेगरी से लिया जा सकता है। इसमें एज लिमिट्स जो हैं वो 21 से 42 साल तक की है। ठीक है फ्रेंड्स, 12th पॉइंट में बताया गया है इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास एक्स सर्विसमैन फिजिकली चैलेंज एंड विडोज डिवोर्सी। ठीक है, तो इन सब के लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको छूट मिलती थी वो उनको छूट मिलेगी इसमें भी। कैंडिडेट अप्लाई TGT पोस्ट मस्ट इंश्योर दैट ऑल द क्वालिफिकेशन, मतलब STET होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आपके पास TET बेसिकली मतलब टीचिंग एलिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना उसके आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर कोई अदर सब कैटेगरी का नहीं मिलेगा तो मेन कैटेगरी दैट सब कैटेगरी कैंडिडेट तो उससे लिया जाएगा। अगर मेन कैटेगरी से कोई नहीं मिलता है तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को लिया जाएगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको वो इन्फॉर्मेशन पूरी पूरी पहुँच रही होगी। 20 पॉइंट में ये बताया गया है कि आपके पास अगर बहुत ही अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं पर आपके पास STET नहीं है तो आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपको अपने साथ क्या क्या लेके आना है जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, आपको जिसमें अटैच्ड होना चाहिए खुद के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द दीज सर्टिफिकेट, मतलब सारे जो सर्टिफिकेट आप लगाओगे जो अपने अपने ऑनलाइन फॉर्म में भरे हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ऑनलाइन प्रूफ ऑफ फी डिपॉजिट या ई चालान या ऑनलाइन आप जो भी पेमेंट करते हैं, जैसे भी पेमेंट करते हैं, जिस भी पोर्टल से आप पेमेंट करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, उसकी रिसिप्ट को ज़रूर लेके आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन केस आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म फिल करने में तो आप इस हेल्पलाइन पर कॉल करके वर्किंग डेज में 9 AM से 5 PM के बीच में आप अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं जब आपको अगर फॉर्म फिलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि हमें एक सपोर्ट मिले, एक मोरल सपोर्ट मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।